तो लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे सिलेबस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स की, काफ़ी सारी बातें हमने की थी। अब हम आते हैं डिटेल सिलेबस पर। मैंने आपसे बात की थी कि हम जो सिलेबस है उसके पोर्शंस को एक एक करके अपन डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसके अंदर हमारे पास है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल जो कि काफ़ी लोगों को बहुत प्रिय है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ सो कॉल्ड गुरुजी या उनके जो भी सर हैं या मेरे कुछ साथी हैं, उनका कहना है कि कंप्यूटर फंडामेंटल में से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आएंगे, या पूरा सिलेबस ही बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल से कवर होता है। तो दोस्तों, मेरा कुछ मानना अलग है। मेरा मानना है कि ये पटवारी या कॉन्स्टेबल वाला एग्जाम नहीं है, कंप्यूटर एकेडमिक से रिलेटेड एग्जाम है। कंप्यूटर फंडामेंटल से बहुत कम पोर्शन आने का मुझे लगता है, शायद 2-3 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, इस पर तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल में कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर के बारे में जो आप बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स लाइक MB, GB, 1 GB में कितनी MB है, 1 TB में कितना GB है, वगैरह वगैरह आप बात कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर PC की, किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज क्या हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड जनरेशन कौन सी है, इस तरीके की जो चीज़ें आपके पास हैं। कुछ जनरल फॉर्म्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, उनका आइडिया हमें होना चाहिए डेफिनेटली। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, से हमारा मतलब है लाइक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर वगैरह वगैरह। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम यहाँ पर नंबर सिस्टम की बात भी करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांस मुझे जो लगते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, वो नंबर सिस्टम से लगते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस तरीके से बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन डेटा प्रोसेसिंग एंड फाइल्स, किस डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, डेटा क्या है, रिकॉर्ड क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, फिर किस तरीके से आप फाइल्स की बात करते हैं, सिक्वेंशियल फाइल क्या है, रैंडम एक्सेस फाइल क्या है, वगैरह वगैरह। ये तमाम पोर्शन है जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हम बात करते हैं। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे इस पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अगेन कह रहा हूँ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बात करते हैं पटवारी की, कॉन्स्टेबल की, अगर आप बात करते हैं वीडियो की, डेफिनेटली यही टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारे एग्जाम और उन एग्जाम्स में फ़र्क है। हमारे एग्जाम के अंदर जो लोग हैं वो कंप्यूटर लिटरेट हैं, वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कंप्यूटर लिटरेट एग्जाम दे रहे हैं, वो मान के चलते हैं वही एकेडमिक्स का एग्जाम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का है। सेकेंड चैप्टर जो है एमएस ऑफिस में डेफिनेटली हम 4 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड MS Access। वर्ड कहाँ तक कवर करना है आप इन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। वर्ड में हम लोग मेल मर्ज तक जो हम लोग कवर करते हैं, जनरल जो शॉर्टकट कीज है वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह एक्सेल में कैसे फार्मूलाज को काम में लिया जाता है, जनरल फार्मूला कौन कौन से हैं, है ना, चार्ट्स कैसे काम में लेंगे, कौन सी शॉर्टकट कीज हैं, वगैरह वगैरह, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह एम्बेड करते हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए MS Excel के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर उसी तरीके से ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन कैसे करते हैं, स्लाइड को कैसे ऐड करना है, कलर फिलिंग कैसे करना है, वगैरह वगैरह, किस टैब के अंदर क्या होना है, किस रिबिन में क्या होना है ना, कौन कौन से टैब्स हैं, कौन कौन से रिबिन्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास आता है MS Access,
दोस्तों, चूंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर हमारे पास डीबीएमएस का एक कंप्लीट चैप्टर है और डीबीएमएस के कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ते हैं, हम क्वेरीज के बारे में पढ़ते हैं, हम किस तरीके से टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम कीज के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, उनका इम्प्लीमेंटेशन एमएस एक्सेस में कैसे किया जाता है, केवल वो बात हम करते हैं। बाकी एमएस एक्सेस में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल के नहीं आती क्योंकि डीबीएमएस पूरा हमारे साथ है। अगर डीबीएमएस नहीं होता तो वो चीज़ें एमएस एक्सेस में पूछ ली जाती, लेकिन चूंकि कंप्लीट कंसेप्चुअल डीबीएमएस हमारे पास है तो दोस्तों मेरे पर्टिकुलर विचार से इसमें से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी कम हो जाती है। तो ये हमारा जनरल एमएस ऑफिस के टॉपिक्स हैं, चार टॉपिक्स, डेफिनेटली अच्छे टॉपिक्स हैं। इसके बाद का जो सेक्शन है वो हम सबको ज़्यादा परेशान करता है। इसके बाद में जो सेक्शन हमें दिया हुआ है जिसके अंदर हमारा सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग सभी को उसमें डाल दिया है, यहाँ पर आकर थोड़ा सा दिक्कत आती है। मेरे कई साथी, कई इंस्टीट्यूट, कई विद्वान साथियों का कहना है कि भाई इसमें से कुल मिलाकर 3-4 क्वेश्चन आएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और अगर ओवरव्यू ऑफ सी, सी प्लस प्लस लिखा हुआ है तो दोस्तों आप ये देख लेना कि अगले सेक्शन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, सी प्लस प्लस लिखा हुआ है। मतलब सी, सी प्लस प्लस में उतना आपको पढ़ना पड़ेगा जिसमें कि डेटा स्ट्रक्चर आप बना सके, और डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन सी, सी प्लस प्लस के अंदर आप पॉइंटर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्ट्रक्चर्स के बिना नहीं कर सकते। मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस के अंदर जो आपके क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, वहाँ तक तो आप कम से कम पढ़ना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सी के अंदर अगर अपन बात करें, सबसे पहले सी की बात अपन करते हैं, प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन, सी में कैसे काम करते हैं, देन कंपाइलिंग लिंकिंग प्रोसेस, कैसे कंपाइल होता है, कैसे लिंक होता है, लिंक होने का मतलब क्या है, कौन कौन सी फाइल्स बनती हैं, वगैरह वगैरह। देन टोकन्स, टोकन्स सी किसी भी प्रोग्राम की यूनिट को हम टोकन कह रहे हैं। जो टोकन्स आपके पास हैं लाइक कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स वगैरह वगैरह, उन टोकन्स की बात अपन करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर वगैरह वगैरह, उन तमाम ऑपरेटर्स की बात। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स आपके पास हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, सेलेक्शन स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, देन एरेज एंड स्ट्रिंग्स, किस तरीके से एरे को काम में लेते हैं, मेमोरी एलोकेशन एरे का कैसे होता है, कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, स्ट्रिंग्स क्या हैं, सी में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग डॉट एच में जनरल कौन कौन से फंक्शंस हैं वो बातें अपन करते हैं। पॉइंटर्स, देखिए पॉइंटर्स सी की ब्यूटी है, आप बिना पॉइंटर्स के सी को सोच भी नहीं सकते। इवन सी का जब इंट्रोडक्शन आता है तो आप कई जगह पर पढ़ते हैं सी इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज, वो केवल और केवल पॉइंटर्स की वजह से, क्योंकि पॉइंटर्स में हमारे पास कई चीज़ें ऐसी है कि आप डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स की बात करना सी में ओवरव्यू है, ठीक है। फंक्शन सी में किस तरह लिखे जाते हैं, सी बहुत रिच मानी जाती है फंक्शंस के लिए। दो तरीके के फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम बना सकते हैं। स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस की बात अपन करते हैं, एंड स्टोरेज क्लासेज की बात करते हैं। स्टोरेज क्लासेज के अंदर हम चार कैटेगरीज की बात करते हैं, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न, डेफिनेटली वो स्टोरेज क्लासेज। तो ये तमाम कंसेप्ट्स हैं जो कि हम सी के अंदर हमें पढ़ने चाहिए। इनके पढ़े बगैर हमारा सी का जो सिलेबस, इवन अगर हम इसी सिलेबस की बात करें जो आपको दे रखा है, वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। देखिए सी का पूरा सिंटैक्स सी प्लस प्लस में चलता है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई सी प्लस प्लस सी में कोई फर्क नहीं है, या सी प्लस प्लस में क्या है सी के साथ में थोड़ा सा और जोड़ दिया, नॉट लाइक दैट, कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। हाँ ये सही है कि सी के तमाम फीचर्स जो हैं वो सी प्लस प्लस से काम करते हैं,
कुछ एक्सेप्शंस के साथ कुछ नई नई चीजें आ जाती है, जैसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वहां पर हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स वहां पर हैं, आर्ग्यूमेंट पासिंग मैकेनिज्म में डिफरेंस आ जाता है, ऐसी कुछ चीजें हमारे पास हैं, किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें आपका डिफरेंस आ जाता है, तो कुछ डिफरेंसेज हमारे पास हैं और उन डिफरेंसेज के साथ ही हम सी प्लस में चालू होते हैं। देन हम बात करते हैं क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स की, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स की, कौन कौन से तरीके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उनका सिंटैक्स क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कौन से हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होती है वगैरह, डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, वो बातें अपन करते हैं। देन इनहेरिटेंस की बात हम करते हैं, कैसे इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन कौन से टाइप के इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस अलाउड है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट होता है, मल्टी लेवल कैसे इंप्लीमेंट होता है, उसके अंदर जो एम्बिग्यूटीज है उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, है ना, ये तमाम चीजें वहां पर डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे करेंगे, है ना, डायनेमिक बाइंडिंग अगर करनी है तो हमारे पास वर्चुअल कंसेप्ट, वर्चुअल फंक्शंस का कंसेप्ट है, वर्चुअल फंक्शंस की अपन बात करते हैं। देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास है, बहुत ही रिच कंसेप्ट है सी प्लस प्लस का। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से या तो हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं या एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों का आइडिया आपको होना चाहिए किस तरीके से काम कर रहा है। एक दो ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड करके भी देख लें, इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड हो सकते हैं, कौन कौन से ओवरलोड नहीं हो सकते हैं, वो लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग, टेम्पलेट्स, फाइल स्ट्रीम्स एंड मैनिपुलेटर, ये तीनों टॉपिक्स भले ही आप बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे काम करती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कौन कौन से कंस्ट्रक्ट्स हैं, लाइक ट्राई, कैच, थ्रो वगैरह वगैरह। इसी तरीके से टेम्पलेट्स में आप किस तरह से टेम्पलेट क्लासेस बनाते हैं, जेनरिक क्लासेस बनाते हैं, किस तरीके से फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं टेम्पलेट फंक्शंस के अंदर, फाइल्स में कैसे काम करते हैं, मैनिपुलेटर क्या है, iomanip.h फाइल क्या है, वो तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सी प्लस प्लस का ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। ध्यान रखिए कि ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर ये सारी चीज आ रही है, डिटेल में अगर जाते हैं ना तो बहुत डेप्थ है सी प्लस प्लस की, सी की बहुत सारी हमारी बुक्स ऐसी हैं जो पूरी सी की बुक है और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सी और इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर मैंने बीसीए एमसीए बीटेक कुछ किया है तो ये चीज हम पढ़ के आए हैं, इसलिए हमें आती है, इसलिए वही ओवरव्यू है हमारे लिए, राइट। देन आपके पास नेक्स्ट चीज आती है जावा। देखिए जावा में आप सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सी सी प्लस और जावा में कहां डिफरेंस आ रहा है, जावा में क्या क्या काम हम कर सकते हैं। आप पूरा भले ही डिटेल में ना जाएं, लेकिन जो जनरल लैंग्वेज फंडामेंटल्स हैं लाइक ऑपरेटर्स में सी में क्या है, सी प्लस में क्या है, जावा में क्या है, जैसे लिटरल्स में सी में कैसे होता है, सी प्लस में कैसे होता है, जावा में कैसे होता है, ये तमाम चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जावा में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, सी प्लस में नहीं हो रहे सब। देन कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्लास ऑब्जेक्ट में के साथ कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम इनहेरिटेंस के साथ काम कर रहे हैं, डाउन कास्टिंग अपकास्टिंग क्या है, ऐसे फीचर्स, पैकेजेस का कंसेप्ट अभी तक जो हमने बात किया उसमें नया है, काफी इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर पैकेजेस का कंसेप्ट, किस किस तरीके से पैकेज डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे पैकेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरफेसेज का कंसेप्ट, जेडी के 1.8 के बाद से इंटरफेसेज में कई नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, नए फीचर्स ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इंटरफेसेज क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, किस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा के अंदर इंटरफेसेज के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, सी प्लस प्लस और जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या डिफरेंस है, साहब ओवरव्यू का पार्टी तो है, ठीक है ना,
कौन कौन से चेक्ड एक्सेप्शन है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या फर्क है, एक्सेप्शन हायरार्की क्या है, टॉप मोस्ट एक्सेप्शन क्लास कौन सी है, ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। रैपर क्लासेज, देखिए सामान्यतः हम कहते हैं जावा इज नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जावा इज ऑलमोस्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑलमोस्ट, दिस इज नॉट प्योर, दिस इज ऑलमोस्ट प्योर। क्यों ऑलमोस्ट है? क्योंकि सब यहां पर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्यों प्रिमिटिव है? कि सब यहां पर हमारे पास रैपर क्लासेज है। तो रैपर क्लासेज क्या है सब, कौन कौन सी रैपर क्लासेज है पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। स्ट्रिंग, जावा में स्ट्रिंग क्या है सर? सी प्लस प्लस तो हम कहते थे स्ट्रिंग इज सिंपली एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय बैकस्लैश जीरो, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में स्ट्रिंग क्लास है। हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग है क्या यहां पर। ऑब्जेक्ट क्लास, जावा में किसी भी क्लास की सुपरमोस्ट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऐसा क्या है सर ऑब्जेक्ट क्लास में, कौन कौन से फंक्शंस उसके अंदर डिफाइंड है? मल्टी थ्रेडिंग जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कैसे मल्टी थ्रेडिंग को काम में लेते हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम लिखते हैं जावा के अंदर, आइडिया होना चाहिए ना, भले ही हम उसकी डेप्थ में ना जाएं, ऊपर ऊपर का आइडिया तो हमें होना चाहिए किस तरह मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। कलेक्शन क्लासेज बहुत ही रिच फीचर माना जाता है जावा का, कौन कौन से फीचर्स हैं ऑब्जेक्टिव, क्या थे कलेक्शन फ्रेमवर्क के, कौन कौन से फीचर्स हैं कलेक्शन क्लासेज के अंदर, कौन कौन से इंटरफेसेज है जिनको कलेक्शन फ्रेमवर्क काम में ले रहा है, सेट इंटरफेस क्या है, कलेक्शन इंटरफेस क्या है, मैप इंटरफेस क्या है, यू शुड हैव आइडिया, ये ओवरव्यू ही है। आप भले उसके डेप्थ में ना जाइए, ये तो ओवरव्यू का ही पार्ट है। देन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स क्या है, हायरार्की क्या है, टॉप मोस्ट क्लास कौन सी है, बाइट स्ट्रीम क्या होती है, कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होती है, ये तमाम चीजें हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। एपलेट्स क्या है, किस तरह काम करती है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि भाई इनमें एक एक पैरा पढ़ लीजिएगा, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, सफिशियंट डेप्थ आपको कवर करनी पड़ेगी, और जो मैं बात कर रहा हूं सफिशियंट डेप्थ ही है, ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, एक पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन लेवल तक बात करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पाइथन की बात करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सी सी प्लस जावा की, पाइथन आजकल बहुत ज्यादा काम आने वाली लैंग्वेज है। तो आपको जब काम में ले रहे हैं तो आपको एक क्लियर रहना चाहिए कि वे सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन में क्या फर्क है। इनके अगर लैंग्वेज फंडामेंटल की बात करें वहीं से चालू हो जाइए कि लैंग्वेज फंडामेंटल में कहां कहां से फर्क आ रहा है। पाइथन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग्स और एरेज कैसे काम कर रहे हैं यहां पर, फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप काम में लेते थे सी में ऐसे ही पाइथन में भी है, कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, लिस्ट एंड टपल्स, जैसे एरेज जैसी कोई चीज यहां पर होती है, की वैल्यू पेयर्स की बात करते हैं तो डिक्शनरीज होती है, एरेज नहीं एरेज जैसी, मैं ये बात आपको कर रहा हूं है ना, मेरे कुछ साथी लोग फिर बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं मेरी शब्दों के ऊपर, मैं कह रहा हूं एरे नहीं एरे जैसे होता है। बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं जो कि पाइथन के अंदर हैं, टोकन्स जो सी सी प्लस प्लस जावा में पढ़ के आए थे और पाइथन में जो टोकन्स हैं उनमें क्या फर्क आ रहा है सर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स थे, जो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, जो इफ स्विच अपन पहले नहीं पढ़ रहे थे, डू वाइल फोर वाइल, तो यहां पर कौन कौन से हैं, यहां पर क्या सिंटैक्स है पता होना चाहिए आपको, फंक्शंस कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं, पैकेज कैसे बना सकते हैं, क्या डिफरेंस है जावा में सी प्लस प्लस और पाइथन में, जावा पाइथन के अंदर ऊप्स के कंसेप्ट को कैसे काम में लेते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कम से कम ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भले ही आप उसके डेप्थ में ना जाइएगा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि यूआई का पता होना चाहिए, ट्विकर कैसे काम करेगा पता होना चाहिए, वेब एप्लीकेशन कैसे बनेगी, नहीं, ये तो पाइथन का ओवरव्यू है, पाइथन की लैंग्वेज फंडामेंटल्स तो पता ही है, होना चाहिए ना अपने को, तभी जाके तो हम कहेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन टू पाइथन कंप्लीट हो रहा है,
देन हमारे पास एक टॉपिक आता है .NET. देखिए .NET में 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट हमें .NET देता है, और कोई भी लैंग्वेज हमारे सिलेबस में लिखी हुई नहीं है, ना सी शार्प लिखी हुई है, ना जे शार्प लिखी हुई है, ना बीबी .NET लिखी हुई है, तो हमें किसी लैंग्वेज की डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जो सबका कॉमन कंसेप्ट है .NET के, उसमें पढ़ने की आवश्यकता है. क्या कॉमन कंसेप्ट है साहब, कि .NET फ्रेमवर्क क्या है, क्या क्या चीजें फ्रेमवर्क के अंदर है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है, हमें पता होना चाहिए. कॉमन टाइप सिस्टम क्या है, हमें पता होना चाहिए. लाइब्रेरीज क्या है, हमें पता होना चाहिए. विजुअल स्टूडियो कैसे काम कर रहा है, हमें पता होना चाहिए. तो ये तमाम जो चीज़ें जो कि कॉमन हैं, उनका आइडिया आपको होना चाहिए. ये एक्सपेक्ट किया जाता है .NET से. इसके बाद अपन आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर. इसी सेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन डाला हुआ है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब अपन बात करते हैं, तो भाई सबसे पहले बात की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है टास्क डोमेन क्या है, कौन कौन से काम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कर पाते हैं, प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉब्लम के लक्षण क्या है, क्या प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम से तोड़ा जा सकता है, ऐसी तमाम चीजें. ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम क्या है सर, प्रोडक्शन सिस्टम और जो हमारे पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास एल्गोरिथम एंड सर्चिंग क्या, कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं, बहुत सारी एल्गोरिथम्स हमारे पास हैं सर्चिंग के लिए भी. अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले याद करें, सर्चिंग बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च. बहुत सारी एल्गोरिथम्स आपने अगर पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी कभी पढ़ा होगा MCA BTech के अंदर या BCA के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा A*, AO*, हिल क्लाइंबिंग, है ना, वहां नहीं जाना, इतनी डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन उन एल्गोरिथम्स का नाम तो पता हो कि हाँ ये एल्गोरिथम होती है. कल को अगर क्वेश्चन पूछ लिया निम्न में से कौन सी एक एल्गोरिथम नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है सर, ये जस्ट ओवरव्यू के अंदर ही चीज आती है. ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है, बेस्ट अलग चीज है, नियरेस्ट टू बेस्ट अलग चीज है, ह्यूरिस्टिक हमें वहां तक लेके जाता है, लेकिन ये क्या है जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो आइडिया भी नहीं होगा. गेम प्लेइंग, हम बात करते थे पहले विश्वनाथन आनंद चेस खेलते थे सुपर कंप्यूटर के साथ, है ना, तो वो क्या था बेसिकली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना हुआ एक गेम था. किस तरीके से गेम प्लेइंग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पता होना चाहिए. नॉलेज एंड रीजनिंग, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ और नहीं, बहुत सारी नॉलेज है जो कि लगातार अपने आप को इंक्रीज कर रही है, लर्निंग वहां पर नॉलेज की हो रही, नॉलेज बढ़ती जा रही है, और कब कौन सी नॉलेज काम में लेना है वो रीजनिंग हम यूज में ले रहे हैं. इनके आपके बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं, इनके नाम तो कम से कम पता हो, इनकी डिटेल पता हो, इनके डेफिनेशंस पता हो. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अक्सर अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम NLP की, नहीं करनी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमें हिंदी को कंप्यूटर से ट्रांसलेट नहीं करना, लेकिन ये तो पता हो होती है कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए, कौन कौन सी उसकी स्ट्रेटेजीज हैं पता होनी चाहिए. इसी तरीके से एक्सपर्ट सिस्टम, किसी एक्सपर्ट को कंप्यूटर की तरह काम करवाना, बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर आपने नहीं देखे अपने पास कंप्यूटर लेके बैठते हैं, जो आपके सिम्टम्स हैं उनसे सिम्टम्स को एंटर करते हैं, वो उनको प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि शायद ये वाली दवाई काम करेगी, वो बेसिकली एक तरीके का एक्सपर्ट सिस्टम है. तो ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम्स की बात हम करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से आपके पास मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनकी सफिशियंट डिटेल आपको कवर करनी होगी कि भाई ब्लॉकचेन क्या होता है, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उससे किस तरह रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं, ये तमाम आइडियाज आपको रखने पड़ेंगे. ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन जो आपके दे रखा है वो है डेटा स्ट्रक्चर.
डेटा स्ट्रक्चर में डाउट कम है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में हर चीज हमें सिलेबस के अंदर दे रखी है। इन चीजों में हमें चूंकि सिलेबस में नहीं दे रखा था तो हमारा डाउट बढ़ रहा था। जब जो चीज सिलेबस में हमें क्लियर दी हुई है उसमें सामान्यतः डाउट नहीं रहता है। तो डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम में क्या के क्या लक्षण होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं, उसके नोटेशंस क्या है। आप याद कीजिए बिगो नोटेशन, रो नोटेशंस वगैरह की आप बात करते थे, एरे स्ट्रक्चर्स ये भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इसके आगे अगर अपन चले लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ, ये तमाम डेटा स्ट्रक्चर जो कि आप पढ़ते थे, यहां पर बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है और जो डायरेक्ट लिखा हुआ है उसको आप थोड़ा बहुत मान रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। कौन कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं याद कीजिए, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट आप पढ़ते थे, रेडिक्स सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, उन तमाम की बात कर रहे हैं। सर्चिंग टेक्निक्स जो आप पढ़ते थे, सर्चिंग टेक्निक्स में आप क्या पढ़ते थे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैशिंग, ये सब सर्चिंग टेक्निक्स हैं। सिंबल टेबल्स, ये तमाम आपके डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी दिए गए हैं और लास्ट में दिया गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++, कि वह किस तरीके से इन डेटा स्ट्रक्चर्स को हम C++ से इंप्लीमेंट करें। कम से कम एक डेटा स्ट्रक्चर तो आप इंप्लीमेंट करके देखें तो आपको आइडिया लगेगा, आपको लैंग्वेज के ऊपर भी कमांड आती है। ये तमाम आपके टॉपिक्स थे जो यहां तक जो हमने बात की थी, जो पहले चार टॉपिक्स जो आपके थे जो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उनकी बात अपन ने यहां पर की है। देखिए सबका अपना अलग सोचना होता है, सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, सब पता नहीं क्या बात करते हैं। मुझे दो चार दिन पहले किसी ने बताया, किसी एक संस्थान के अंदर किसी सर ने बताया कि भाई देखिए नोट कर लीजिए 25 क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल में से आने हैं, सब 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एमएस ऑफिस में से आने हैं सब। और इस तरह से उन्होंने पूरा सिलेबस बता दिया, पता नहीं कौन सा सपना उन्हें आया था। मुझे लगता है शायद आरएसएम एसएससी की तरफ से जो सज्जन कोई आए उनके सपने में और उन्हें सारा सिलेबस बता के चले गए कि किस में से कितने क्वेश्चन आने हैं। पता नहीं कैसे इस तरीके से लोग बरगलाने का काम करते हैं। और अगर यही सिचुएशन रही कि हम सभी कंप्यूटर फंडामेंटल के पीछे भागते रहे, केवल एक संस्थान तो कहता है कि भैया सब कुछ फंडामेंटल में कवर हो रहा है और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, एक संस्थान कहता है कि वो सब दिल्ली से फैकल्टी लेके आएंगे। फैकल्टी तो दिल्ली से लाओ, जयपुर से लाओ, चाहे जोधपुर से लाओ, चाहे कहीं और से लाओ, लेकिन टॉपिक्स पूरा कवर हो जाने चाहिए, सारा कुछ कवर होना चाहिए, पर्टिकुलर डेप्थ तक कवर हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा को लगता है कि ये जरूरी है। तो दोस्तों ये चार टॉपिक्स थे, बाकी आप खुद समझते हैं टॉपिक्स को, आपने पढ़ा है कंप्यूटर साइंस को। यहां पर यह ध्यान रखिए कि कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस में फर्क है और ये फर्क आपको इस एग्जाम में समझना पड़ेगा, वरना मुझे लगता है कि कम से कम 50% सीट्स हमारी खाली रह जाएंगी, पासिंग मार्क्स लाने में दिक्कत आएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द बनाऊंगा जिसके अंदर कि मैं कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डेप्थ में बात करूंगा। नमस्कार।